तो राम राम मेरे भाई, कैसे? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो फ्री 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 पे रहने वाली है, फ्री में इन्फॉर्मेशन नॉलेज बांटूंगा आपको। तो भाई देखो, बिना टाइम वेस्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टॉप करते हैं। हैशटैग राम राम आर्मी लिखना मत भूलें। सीन क्या है भाई? सीन ये है कि आज जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आपकी गाड़ी का घर पे पिकअप फ्री में इंक्रीज कर सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ आपकी गाड़ी की एसी की कूलिंग इससे ज़बरदस्त हो जाएगी और गाड़ी का जो पिकअप है वो तो धाकड़ होने ही वाला है। ठीक है, अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, पीछे करने वाले हैं इसमें थोड़ी देर में काम आपके सामने हो जाएगा लाइव सारा। क्या कुछ होने वाला है वो तो आपको देखी जाएगा। बस आपका छोटा सा काम है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आप जैसे और से बहुत से भाई हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इतना ही मेरे को चाहिए। तो भाई बिना टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि फ्यूचर में सारी वीडियोस देख पाएं, और उसके बाद इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। हाँ तो लाडलो, टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, और कीचेन बता दो भाई कैसा है अपनी गाड़ी के नंबर के साथ का कीचेन है, देखो दिख रहा होगा ना, और बलिनो का ही कीचेन है। खैर भाई, आज की जो वीडियो आपको पता है कि मैं बता रहा हूँ देसी जुगाड़ की, आप आपकी गाड़ी का पिकअप कैसे बढ़ा सकते हो भाई फ्री में बोल रहा हूँ, और मैं गारंटी देता हूँ भाई ये चीज़ आप कर लोगे आपकी गाड़ी में तो पिकअप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में क्या होगा आपकी गाड़ी का जो एसी है वो भी चिल चिल करने लग जाएगा। तो अब जो है मैंने मोटर चला दी है। सेकंड काम आपको बताता हूँ, गाड़ी साफ नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है भाई, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लग रहे हैं आजकल, तो गाड़ी साफ करके कोई फायदा ही नहीं है, गंदी होनी है। तो मैं एक बार खत्म हो जाए आंधी तूफान, उसके बाद करेंगे। खैर वो सब छोड़ते हैं भाई, अपा जो है आज क्या करने वाले हैं, नीचे से मैं जो है पानी मारूंगा। तो भाई जो गाड़ी है एक बार उसे स्टार्ट कर लेता हूँ, एकदम बढ़िया स्टार्ट हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है इसे मैं पीछे करता हूँ एक बार, क्योंकि आगे नहीं समझा पाऊंगा मैं, पीछे दिखाता हूँ आपको एक बार करके पूरा अच्छे से। तो जितनी पीछे जा सकेगी उतनी पीछे करता हूँ एक बार। तो यहां तक मैं एकदम ले गया हूं। अब जो गाड़ी अपनी एकदम सही लग चुकी है, और अब दिखाता हूं आपको कि भाई कैसे जो आपकी गाड़ी का पिकअप है और एसी जबरदस्त ठंडा हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं भाई जबरदस्त ठंडा हो जाएगा, और पिकअप जो है ना इतना बढ़ जाएगा जिसकी कोई गारंटी। तो भाई जो गाड़ी एक बार मैं आगे नहीं कर रहा बिकॉज आंगन में पानी हो जाएगा, फिर अंदर जाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे एक बार रैंप पे लगा लेता हूँ मैं, और अपनी रेट्स वहाँ पे खड़ी उसमें भी करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक बार रैंप पे लगा लेता हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, आप खुद शॉक हो जाएंगे एकदम। तो देखो भाई यहाँ पे लगा दी मैंने गाड़ी, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव करके एकदम यहाँ पे सही आएगा। तो नीचे देख लो भाई, पहले कोई रेत वेत नहीं है, ताकि आपको यूँ ना लगे कि भाई मैंने जो है आपके सामने कुछ गड़बड़ी करी है, झूठ बोला है। अब हमको क्या करना है भाई, मैं आपको यहाँ जूम इन करके दिखा देता हूँ, अंदर से दिख रहा होगा तो भाई कितना रेत जमा हुआ है इस पे, रेत देख सकते हो कितना ज़्यादा जमा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हो पूरी जो है बुरी तरह से ब्लॉक हो रखी है ना, यहाँ से देखो ये देख सकते हो पूरी जो है बुरी तरह से ब्लॉक हो रखी है। अब हमें इसे प्रेशर वॉशर से जो है साफ करना होगा, और मैं नीचे रेत दिखाऊंगा आपको कितना रेत आता है, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिएगा। तो भाई ये पानी चल चुका है यहाँ से अपना, और अब मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से मारना होगा, और नीचे देखिएगा रेत देखिएगा। तो भाई लोग धूप में आपको पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट ये इतना रेत निकल रहा है इसमें जिसकी कोई हद नहीं, ये सारा रेत का पानी है, झाग से मिलकर रेत है। देखो ये देखो अब दिख रहा होगा आपको, और इधर भी दिखाता हूँ, आप नीचे देखते रहिएगा बस कि रेत कितना सारा निकल रहा है, ये सारा का सारा रेत है, देखो सारा का सारा रेत है, ये देखो दिख रहा है ना रेत, ये निकल रहा, ये सारा का सारा इधर से ही रेत निकल रहा है भाई लोगों। थोड़ा सा अगर मैं प्रेशर से वॉश करता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, जैसे ही मैंने पहले थोड़ा धीरे करा था, अब मैं प्रेशर से कर रहा हूँ, और उसके बाद नीचे सारा जितना भी रेत है इसमें जमा है, जितने भी ये ब्लॉक्ड है जालियाँ, सारा का सारा रेत इसमें नीचे निकल जाएगा। तो भाई लोगों यहाँ पे जो है मैंने पूरा रेत साफ कर दिया है, और शायद आपको नीचे दिख रहा होगा अंदर वहाँ पे वो पड़ा हुआ रेत वो रहा। अगर मैं अभी थोड़ा एक बार पानी रोक दूंगा यहाँ पे, मैंने एक बार अंदर डाल रखा था ताकि ऐसे फ्लो के साथ पूरा जो है नीचे आ जाए, 2-3 मिनट तक आपको करना होगा, बिकॉज जो शोरूम में हैवी वॉशर्स होते हैं वो तो जल्दी साफ कर ही देते हैं इनको, बट अपने घर वाले होते हैं वो भी कर देते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे हमने कर दिया पूरा साफ, ये एकदम बढ़िया से साफ हो चुका है अपना, जितना भी रेत था सब कुछ था, और इसमें इतना रेत होता है कि भाई कितनी देर तक साफ करते रहो ये रेत निकलता रहेगा। अभी मैं देखो आपको और दिखाता हूँ लाइव, ये देखो नीचे रेत पड़ रहा है, मैं अभी एक बार पाइप बंद कर दूंगा, उसके बाद आपको पूरा समझ आ जाएगा कि भाई मैं रेत कौन सा दिखाने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। तो ये जो है अपना यहाँ से एसी का एकदम मस्त साफ हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं एक बार थोड़ा धोऊंगा बाद में, पहले इस पर आपको रेत दिखा देता हूँ यहाँ से बंद करके पाइप।
तो भाई देखो ये रेत थी, ये रेत था जिसकी मैं बात कर रहा था, ये रहा सारा रेत, वो अंदर से दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको रेत, ये भाई पूरा रेत अपने इसमें से निकला है, पूरा का पूरा रेत अपने इसमें से निकला है। अब भाई मैं गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ आप घर पे कर लो, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आपकी गाड़ी का जो पिकअप है ना, इतना धांसू हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ भाई। सेम करो अपनी रेट्स के साथ, आपके पास बलिन है उसके साथ, स्विफ्ट के साथ, जोन सी भी गाड़ी है सबके साथ सेम करो, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इससे, और उल्टा पिकअप ही बढ़ेगा भाई। तो मेरी गारंटी पे प्लीज़ एक बार करके देखो। देखो भाई गाड़ी अभी हटाई है मैंने, यहाँ पे ले आया हूँ मैं आपके सामने अंदर, और इसके बाद देखो ये है भाई रेत, ये रहा सारा रेत है ना, तो आपसे कुछ छुपाना ही नहीं था, मेरे को सारा लाइव दिखाना था। तो भाई इतना रेत है और ये बारीक रेत है, और बहुत सारा जो रेत है वो वहाँ पे आगे भी जा चुका है, और ये देखो आपके सामने है सारा, ठीक है। तो ये काम करो भाई, 101% जो है पिकअप इंक्रीज होगा, मैं अपने जो रेट है इसमें भी कर लेता हूँ सेम चीज़, और भाई ऐसा कुछ रहने वाला है। आज लाडलो जैसे कि देखा होगा आपने भाई, अपा ने जो है यहाँ से काम करा था इधर से पीछे से, और पिकअप इसके बाद भाई 100% इंक्रीज होता ही होता है, जबरदस्त पिकअप हो जाता है। और देखो भाई छोटी चीज़ है कि फ्री में अगर कोई चीज़ मैंने आपको बताई है, शोरूम में जाओगे यही चीज़ पूछने पे तो शोरूम वाले बोलेंगे भाई लेंगे हम 500-600 रुपये, उन्हें कुछ करना नहीं, उनका प्रेशर वॉशर होता है, उस वॉशर से आपकी गाड़ी के यहाँ पानी मार देंगे और फिल्टर थोड़ा बहुत साफ कर देंगे, एसी आपको कूल लगेगा, बोलेंगे भाई बढ़िया काम हो गया एकदम। तो ये सब करिए मत बिल्कुल भी, और घर पे कर लीजिए भाई, मोटर सबके पास होती है, नहीं होती है तो किसी देसी दुकान पर ले जाओ, बाहर देसी दुकान पर ले जाने के बाद क्या करना है, उससे बोलो भाई कि एक काम करो तुम इस पे वॉशर मार दो यहाँ पे, और एकदम से पिकअप जो है भाई धाकड़ इंक्रीज हो जाएगा, धाकड़ मैं बोल रहा हूँ। तो भाई कैसी लगी वीडियो प्लीज लिख के बताओ, कल मिलते हैं नई वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही था, बाय बाय और धन्यवाद।